କୃଷି ବିଭାଗରୁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସାଇକେଲରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଜଳର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ ଆପକା ପହଲେ ଆପକା ଶୁଭନାମ ବତାଇଏ ଆର୍ ସାଇକେଲ ମେ ଘୁମନେ କା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ୟା ହେ ସାଇକେଲ ଭ୍ରମଣ ପର ହୁଁ ମେରା ନାମ ସୁଭାଷ ହେ ଔର ମେ ହରିୟାଣା କେ ହିସାର ଜିଲେ ସେ ହୁଁ और साइकिल यात्रा पे हूँ, पूरे भारत वर्ष के भ्रमण पर हूँ। और जो उद्देश्य आप पूछ रहे हैं तो ये सब कुछ मेरे साइकिल के ऊपर डिस्प्ले है कि जल और पर्यावरण ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर्यावरण अगर नहीं है तो बारिश नहीं होगा, पेड़ पौधे जो हैं वो धरती माता का गहना है, इसको हमें बचाना है और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएँ, पानी का जो है उतना प्रबंध करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग करें। और ये सब बातें मैं शहरों में बताता हूं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो फोकस है, वो मेरा ग्रामीण क्षेत्र रहता है। मैं हाईवे पे नहीं चलता, लिंक रोड पर जाता हूं, अधिक से अधिक गांवों में जाता हूं, लोगों को बताता हूं कि आप पानी को बचाइए। सरकार बड़ी मेहनत से और बहुत पैसा खर्च करके आप तक पीने का पानी भेजती है, लेकिन जो टेपलेस जो पाइप हैं उनके ऊपर पाइप में टूटी लगाना ज़रूरी है। तो ये सब मैं बता पा रहा हूँ और मैंने बहुत से शहरों में यूपी में अपने पैसे से टूटियाँ लगवाई भी है। किन किन राज्यों में आप जा चुके हैं साइकिल में और वहाँ पर क्या क्या लोगों को आपने संदेश दिया है? हाँ, मैं हरियाणा से शुरू किया तो फिर मैंने पूरा हरियाणा किया, हरियाणा का हर शहर मैंने किया और उसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश से मैं जो है बिहार में एंट्री हुआ और बिहार के पटना से नेपाल और काठमांडू का भ्रमण भी किया, क्योंकि वहाँ के लायनिज्म से मिलना चाहता था, क्योंकि मैं लायनिज्म से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे बताया गया कि नेपाल में लायंस क्लब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं पटना गया और वहाँ से पश्चिम बंगाल आया और फिर मैं उड़ीसा में आया। तो लगभग कितना किलोमीटर आप साइकिल में जा चुके हैं अभी तक? मैं 8300 किलोमीटर आज का जो है मैं पूरा हो चुका है। आप उड़ीसा में आए हैं, जगन्नाथ धाम में आए, आप जानते हैं महाप्रभु जगन्नाथ यहाँ विराजमान है क्षेत्रपुरी में, तो यहाँ पर आपको आकर कैसा लगा, लोगों का रेस्पॉन्ड क्या है यहाँ पर आप जब बर्ताव देते हैं लोगों को? पूरी बहुत सुंदर शहर है, बड़ी खुली सड़कें हैं, मुझे बहुत भा रहा है ये शहर। और आपने भगवान जगन्नाथ की बात की तो वो विश्व में प्रसिद्ध है, चार धाम में से एक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मलाल रहा कि अभी द्वार बंद हैं, तो फिर भी मैं वहाँ जाऊँगा। लोग यहाँ बहुत प्यार करते हैं, पानी की स्थिति अच्छी है, ग्राउंड वाटर जो है वो भी ठीक है, तो इसमें सब जो है यहाँ के लोगों का योगदान तो है ही। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी का जो नारा है जल को संरक्षण करो, उसके बारे में आप लोगों को क्या बता रही है? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जल जीवन को और जल संचय को लेकर के, उनका जो आह्वान है उसके साथ सभी का जुड़ना जरूरी है और मैं इसका प्रचार भी कर रहा हूँ। साइकिल में इतना किलोमीटर आप जा चुके हैं, आगे भी लक्ष्य है साइकिल में जाने के लिए, तो तकलीफ नहीं होता है पैरों को? अगर तकलीफ की बात करें तो मुझे शुरू में जब 1000-2000 किलोमीटर चला था तो उस टाइम दिक्कत हुई थी। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये मेरा अनुभव है और दिल से मैं बोल रहा हूँ कि साइकिल जो है सर पैरों से नहीं चलती। कहते ना कि उड़ान जो है पंखों से नहीं हौसलों से होती है, तो ये साइकिल जो है ये लोगों के प्यार से चलती है, दुआओं से चलती है। आप सबका जो प्यार मुझे मिल रहा है उससे मेरे दिमाग को शक्ति मिलती है और उसी से मैं चल पाता हूँ। आपके साइकिल में जो बैनर लगा हुआ है जल मिशन को लेकर, जल को संरक्षण करने के लिए जो पोस्टर लगा हुआ है, ये क्या ये वार्ता किया जाता है लोगों को? हाँ, ये लोग पूछते हैं, जैसे अगर इस साइकिल को देख करके सड़क राह चलते लोग पूछते हैं कि सर कहाँ से आ रहे हो, तो मैं उनको बता पाता हूँ और वो इसको सबके पढ़ करके, आजकल लोग काफ़ी जागरूक हैं, वो समझ भी जाते हैं कि अच्छा मिशन है, तो इससे जो है मुझे काफ़ी लोगों का प्यार मिलता है। मेरा आखिरी सवाल है आपका, अब मास्क क्यों नहीं पहन रही है, कोरोना का पीरियड है? नहीं, मैं मास्क रखता हूँ, मास्क पहनता भी हूँ, अगर कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जाता हूँ या पब्लिक प्लेस पर जाता हूँ, लेकिन साइकिल के ऊपर मैं मास्क नहीं लगाता। मैं नहीं समझता कि मैं ऑक्सीजन जाना चाहिए अंदर, ऑक्सीजन भी है और मैं प्रकृति के लिए काम कर रहा हूं, तो प्रकृति मेरे साथ है। आखिरी सवाल है आपका, डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है, कहाँ कितने दूर तक आप साइकिल में जाएंगे,
लक्ष्य तो पूरा भारत है, लेकिन पूरा भारत तो शायद बहुत बड़ा राष्ट्र है। मैं अभी 7 स्टेट में गया हूँ और 12-13 स्टेट में जाऊँगा, तो मैं अपनी यात्रा जो है इधर से वापस उत्तर भारत की तरफ जा करके और चंडीगढ़ में समाप्त करूँगा। निश्चित जहाँ प्रतिक्रिया सुनते जन व्यक्ति जी आसी रिटायर्ड अवसर प्राप्त जन व्यक्ति निश्चित भाव में जो उद्यम कर साइकिल ले सारा भारत वर्ष बुलवे निश्चित भाव में यह एक प्रशंसनीय पदक्षेप एवं बड़ कथा हूँ प्रधानमंत्री जो बार्ता रही जल मिशन जल को संरक्षण रखा कथा एवं जल को किभल अपव्यवहार करपर से बुले बुले साइकिल बार्ता दूसरे निश्चित भाव में व्यक्ति यही महत् कम को सबरी महल प्रशंसा करी। वीडियो जर्नलिस्ट सनातन आलोक आशुतोष अर्गस न्यूज़।